डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हिम्स डेराबसी से। हिम्स डेराबसी जो कि जाना जाता है किडनी के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट्स के लिए, डॉक्टर बीएससी सर के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए हजारों की संख्या में लोग हमारे पास आते हैं। उन्हीं में से हमारे एक पेशेंट आए थे, शोहेब अहमद जी। शोहेब अहमद जी, आप हमारे पास लगभग कितने दिन पहले आए थे? सात दिन पहले। इस 7 दिन में आपकी जो ट्रीटमेंट हुई, यहाँ पे आने से पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या जब आप आए थे तब क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? मेरा दोबारा जो है क्रिएटिनिन बढ़ गया था, ब्लड यूरिया बढ़ गया था। अच्छा। हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था जी। और मैं वहाँ पे ब्लड चढ़ाने के लिए सोच रहा था घर पे, डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है चढ़ेगा, ठीक है। यहाँ आया, यहाँ पे जो भी दवा वगैरह चली और थेरेपी वगैरह चला, बट मेरा थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम हो गया था कि सोडियम मेरा बहुत कम हो गया था। सोडियम चढ़ाया भी गया लेकिन उससे कुछ बढ़ा नहीं। लास्ट में फिर एक सिंगल डायलिसिस करना पड़ा जी, ब्लड चढ़ाने के साथ साथ जी। उससे कुछ कम हुआ लेकिन यहाँ फिर कुछ इलाज चला और कुछ खाने पीने का, इसके वजह से थोड़ा सा सोडियम ठीक हो रहा है। जी। आप हमारे पास जब आए थे तो आपको उल्टी की सेंसेशन होती थी? उल्टी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। उल्टी यहाँ आने के बाद नहीं हुआ एक दिन भी, लेकिन लो बैक रहता था आपको, पीठ की दर्द रहती थी, कमजोरी रहती थी? हाँ, वीकनेस बहुत ज़्यादा था और वेट लॉस हो रहा था आपको, गैसेस वेट बहुत लॉस ज़्यादा हो रहा बनता था, था, नींद में दिक्कत रहती थी, राइट? नींद में दिक्कत जी। और गैस और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन आपको एक दिक्कत रहती थी। तो इस जी। 7 दिन में आपको क्या क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अब नींद अच्छी आती है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये गैस भी कम हुआ है और जी कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बिल्कुल पेट साफ हो जाता है साफ हो जाता है। जी। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों को ये भ्रमित कर दिया जाता है कि अगर किडनी की प्रॉब्लम होगी तो केवल डायलिसिस ही इसका उपाय है और जी, ट्रांसप्लांटेशन करा के लाखों रुपया खराब कर दो। वो तो डायलिसिस एक मार्केट है सर, मुझे यहाँ पर मेरा डायलिसिस होना था तो यहाँ पर लड़का लोग नहीं कर पाया था तो फिर हमको बाहर भेजा, जी बाहर के हॉस्पिटल। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ एक एक डॉक्टर आ रहे थे और मुझे कह रहे थे आखिर आना पड़ा ना हिम्स से, आखिर हिम्स से आना पड़ा, हिम्स में क्या इलाज होता। मुझे इतना नर्वस कर रहा था जी और मेरे आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा लगने लगा कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, घबराहट सी हो गई थी। घबराहट सी हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो 5 के बाद 5 क्रिएटिनिन आता है, उसके बाद डायलिसिस होना जरूरी है, तो ये तुम 12 पे आ गया है और अभी तक डायलिसिस नहीं किए हो, डायलिसिस लगेगा, फ्रैक्चुला लगा लो परमानेंट, इस हाथ को खाली रखा करो, इस हाथ में इंजेक्शन नहीं लगाया करो। तो जितना अपने ये भरसक जितना डरा सकते मैंने हो। मुझे डराना था मुझे डराया, मैं आँख से आंसू भी निकल गया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर भी मैं अपना हिम्मत जुटा करके और उनसे डट के बात किया। एक तो वहाँ पर इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आपको मानसिक व्हील तौर पे चेयर में, वहाँ मानसिक जी तौर पर कि जी जी आपको व्हील चेयर में बैठा के ICU में लेके जाना, अच्छा खासा लगना पेशेंट भी है, चाहिए ना कि कुछ कुछ मरीज जा रहा मरीज जा रहा। है। तो हमने कहा कि भाई व्हील चेयर पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं ऐसे चलता हूँ चलो। जी तो मैं उसके साथ ऐसे ही गया और मैं बोला कि सिर्फ सिंगल डायलिसिस होगा मेरा, सिर्फ ब्लड चढ़ाना है मुझे, बस इसी वजह से डायलिसिस कर रहा हूँ। तो वो करके मैं फिर वापस आया, लेकिन बहुत बड़ा बाज़ार है वहाँ, बहुत जी बड़ा मार्केट है, उसका जी बिजनेस है, सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। तो ये सब बेकार की तो चीज़ है आपको डायलिसिस। आपको इस चीज़ का एहसास है, आपको ये लगता है कि जो डाइट हम लोग बताते हैं, जो जो हाँ योगा हम ये लोग डाइट करवाते से हैं, जो जितना थेरेपी अगर से, से सही माने में इस डाइट को फॉलो कर लिया जाए सही तौर पे, तो सही माने में किडनी के पेशेंट नॉर्मल रेंज पे आ सकते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं अब तक 5-6 पेशेंट यहाँ भेज चुका हूँ सर। जी एक पेशेंट जिसका क्रिएटिनिन 5 था, वो आया मेरे पास, एड्रेस उड्रेस दिया, यहाँ बुकिंग करा दिया, वो आया यहाँ से आने के बाद, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आने के बाद गया वो 3 महीना थेरेपी किया, मुझसे रोज मैंने की बात करता, हर महीने हर हफ्ते बात करता है। अभी उससे बात हुई, उसने कहा कि मेरा पापा का उसके पापा का क्रिएटिनिन लेवल 0.85 आ गया, नॉर्मल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल हो गया। और वो इतना खुश हो गया, वो सीधे सब जगह बोलता फिरता है कि अंकल ने तो मेरे पापा का जान बचा दिया। बिल्कुल हाँ, उनके जरिया से वो आके सीधे मेरे पाँव पे पड़ गया, बोला आपके कृपया हो गया जो आपने सही जगह हमें भेज दिया, हिम्स जी। में भेज दिया। क्या नाम है उनका?
उनका नाम है सुखदेव पासवान नाम, सुखदेव मंडल या सुखदेव पासवान ऐसे नाम है। तो फिर उसने एक आदमी को और भेजा जी, उसने एक आदमी को और पता दिया, मेरा पता दिया कि आप उनसे बात करिए। उन्होंने हमसे बात किया, फिर वो पेशेंट अभी आए हुए जी, वो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका दो दिन नहीं हुआ है, क्रिएटिनिन 5 से 4 पे आ गया, बड़ा खुश है जी। आप इनके सुपुत्र हैं जी, आप जी। कुछ कहना चाहेंगे अपने पापा के बारे में? पापा के बारे में तो ये कहना चाहेंगे क्या कि यहाँ पे आकर के हमको बहुत अच्छा फील हुआ। पापा का जो टेंशन था वो सारा दूर हो गया, पूरा परिवार में एक टेंशन रहता था जी, बहुत टेंशन रहता था। और सबसे मुझे यहाँ पे अच्छा लगा कि यहाँ के सारे डॉक्टर्स, सारे सिस्टर्स, जितने स्टाफ सब बहुत के बहुत अच्छे हैं, मतलब व्यवहार भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमसे जब आते हैं बातचीत करते हैं तो लगता है क्या कि नहीं हम अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, वो दो डॉक्टर्स वाला फीलिंग्स नहीं आता है, फ्रेंड्स वाला फीलिंग्स आता है। एक फीलिंग मैं आपको अपनी और बताता हूँ। जब मैं वो बाहर डायलिसिस के लिए गया हॉस्पिटल में, वहाँ डायलिसिस होने के बाद 2:30 बज गया रात, मैं वहाँ बिल्कुल ही नहीं रहना चाहता, मुझे भाग के मैंने कि हिम्स वापस जाना है, ऐसा लग रहा था कि मुझे घर वापस जाना है। और मैं वहाँ से रात में ही 3 बजे कैब करके वापस हिम्स आया और यहाँ से यहाँ पे चैन से सोया, वहाँ नींद भी नहीं आती थी। और हिम्स में आने के बाद लगा कि मुझे मैं घर में आया हूँ, जैसे कोई आदमी किसी काम के लिए कहीं बाहर जाता है तो घर आने के लिए परेशान रहता है, मैं के वाली वैसा, हाँ मैं वही फीलिंग आ रही। ग्रेट। सो देखिए दोस्तों, जिस तरह से और हमारा मानना भी, डॉक्टर बियासी सर भी कहते हैं कि किडनी एक बिजनेस बन गया, एक व्यापार है, एक स्कैम है, 1,00,000 करोड़ का लगभग का बिजनेस है, जहाँ पे पेशेंट को केवल डराया धमकाया जाता है डायलिसिस के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार किया, तो मेंटली उनको तैयार करना शुरू कर देते हैं जैसे पता लगता है कि उसका क्रिएटिनिन कुछ हाई हो गया है। बट हिम्स हॉस्पिटल, जहाँ पे हम हॉस्पिटल कम इसको वर्कशॉप कहते हैं, जहाँ पे हम पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को सिखाते हैं कि क्या गलती हो गई है, जिसे हम अपने ही डाइट और थेरेपी के द्वारा, सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है, उसके द्वारा आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और विश्वास करिए, शरीर बहुत साइंटिफिक है, अपने आप को रिवाइव करती है, केवल आप उसको मौका दीजिए, राइट शेड्यूल्स, राइट डिसिप्लिन, राइट डाइट के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।